तो बच्चों का दिल चाह रहा था केक खाने का, इन्होंने की केक की फरमाइश, तो मैंने बनाया घर पे चॉकलेटी केक, और वो भी बहुत ही कम टाइम में, 20 मिनट्स में मैंने बनाया चॉकलेटी केक। और आपने देखा होगा कि हम बाहर जाके तो रेस्टोरेंट में खाते रहते हैं, तो चले मैं आज आपको अपने हाथ की कुकिंग दिखाती हूँ, और इतना ईजी केक, और वो भी विदाउट ओवन के। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी, और इतना ईजी है कि बच्चे भी बना सकते हैं ये केक। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, सो स्टे कनेक्ट विद अस। तो देखते हैं आज का व्लॉग। निम्रा ने भी की मेरी फुल हेल्प, इस केक को बनाने में हेल्प तो करनी पड़ेगी क्योंकि फरमाइश भी इन्हीं की थी। सो आप भी अपनी मॉम के साथ या सिस्टर के साथ मिलकर बनाएं ये केक शाम की चाय के साथ। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केक रेसिपी, ठीक है। उसके लिए हमें जिसकी फर्स्ट जो हमें चीज़ें चाहिए होती है, सबसे पहला स्टेप जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए सबसे पहले उसके लिए 2 eggs, जी हाँ, और निम्रा मेरी मदद करवा रही है। निम्रा को भी कुकिंग करने का बहुत शौक है, सो ये मेरी हेल्प करवा रही है। ये कह रही थी मैं बनाऊँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ख़राब हो जाएगा आज, तो मैं बनाऊँगी, आप हेल्प करो। तो ये 2 egg चाहिए हमें, और फूड एसेंस चाहिए वनीला एसेंस। ये वनीला एसेंस है जो कि केक में डलता है, ब्राउनीज़ में डलता है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर आता है, फ्रूट फ्लेवर आता है। और हमें चाहिए 1 cup शुगर, और 1 cup हमें चाहिए चीनी, और लेकिन आप 1.5 cup भी कर सकते हैं, पहले आप चख लीजिएगा कि मीठा है या नहीं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता, सो दैट्स वाई वो कम मीठा रख सकते हैं। तो 1 cup चीनी ले लें, और आप 1.5 cup भी ले सकते हैं। तो आप, और ये एग्स जो थे दोनों, ये तोड़ लिए हैं निम्रा ने, एग्स रेडी कर लिए तोड़ के बाउल में। और अब इसके बाद हम इसमें इसको करेंगे ग्राइंड, ये जूसर में जो ब्लेंडर होता है उसमें हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो फर्स्ट हम इसमें डालेंगे एग, तो ये हम इसमें एग डाल देंगे, और अब इसमें हम शुगर जो थी 1 cup वो हम इसमें सारी डाल देंगे, और अगर कम लगे तो हम और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें एसेंस जो था फूड एसेंस, वनीला एसेंस ले लें, बहुत अच्छा है, वनीला एसेंस जो होता है केक के लिए बेस्ट है। तो हम 2 tablespoon हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, ये देखें 2 tablespoon इसमें हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे। देखें सारे काम निम्रा ही कर रही है, सारे काम समझ लें, निम्रा ही केक बना रही है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अब हम इसको करेंगे ग्राइंड, अब हमने इसको करना है ग्राइंड, और इसको बहुत अच्छी तरह ग्राइंड करना है। जितना अच्छा ये ग्राइंड होगा ना और मिक्स होगा, जितना अच्छे तरीके से प्रॉपरली ये मिक्स होगा, उतना ही सॉफ्ट केक बनेगा और बहुत ही मज़ेदार केक बनेगा। तो अब हम इसको करते हैं ग्राइंड, और अब हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। चेक कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, हाथ से आपने इसको चेक करना है कि इसमें चीनी के जो ज़र्रे हैं छोटे छोटे वो आ तो नहीं रहे, बिल्कुल मैश हो जाने चाहिए, बहुत लाइट से, बहुत लाइट से आ रहे हैं। तो ठीक है, फिर हम इसको दोबारा ग्राइंड करेंगे ऐसा कि ये बिल्कुल इसमें मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए बिल्कुल, ना चीनी ज़रा सी भी नहीं आनी चाहिए, और उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत सॉफ्ट केक बनेगा जितना अच्छा ग्राइंड होगा ये। और अब हम इसको एक बाउल ले लेंगे बड़ा, और उसके अंदर हमने इसको इस तरह डालना है इस पेस्ट को, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये ब्लेंड हो गया, बिल्कुल चीनी वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही थी, हमने हाथ से आपने चेक ज़रूर करना है। और ये इस तरह हम इसमें डालेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, 1 से 1.5 cup आप मैदा इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैदे को छान लेंगे। और ये इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा है, ये किसी भी कंपनी का आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं, और खुला भी ले सकते हैं, लेकिन खुले की इतनी मतलब कोई गारंटी नहीं होती उसका टेस्ट कैसा होगा। हम ये बेकिंग सोडा ले सकते हैं इसमें किसी भी कंपनी का, लेकिन पैकेट का लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें हमने डालना है 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर डालना है हमने इसमें, बेकिंग सोडा जो अभी आपको दिखाया था कि किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, 1/2 tablespoon हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, और मैदा डालते जाएँ और साथ साथ आपने हिलाते जाना है, मतलब इसको मूव करते रहना है इस तरह आपने करना है, और हल्का हल्का सोडा आप मैदा आपने इसमें ऐड करते रहना है, और सोडा भी मिक्स हो जाएगा इसी तरह, और आप हिलाते जाएँ इसको इस तरह, आपने हिलाते जाना है और डालते जाना है मैदा। और लेकिन आपने मैदे को पहले छानना है, क्योंकि मैदे के अंदर डले बन जाते हैं जो जिससे फिर काम ख़राब हो जाता है केक का। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा केक बन नहीं पाता, और ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जो हम कर जाते हैं, इस वजह से उनका केक ख़राब हो जाता है या हार्ड हो जाता है, सही ब्लेंड नहीं करते वो, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक है, मैदे को छानते नहीं है, बेकिंग सोडा खुला ले लेते हैं शायद इसलिए भी। तो फिर ऐड कर दें इसमें सारा आप मैदा, और इस तरह आपने हिलाते रहना है ताकि डले ना बने,
और इस तरह आपने हिलाते रहना है। और आपने एक और दूध भी आपने लेना है, आधा कप इसमें डलेगा दूध। और मैदा आपने लेना है 1 1/2 कप। और आधा कप ऑयल डालें इसमें। ये दूध है, आप दूध ऐड कर दें, मिल्क ऐड करना है कोई भी ले लें, खुला या पाउडर दूध ऐड करके इसको भी मिक्स करना है आपने। और हाफ कप मैंने कहा था मैदा आपने और लेना है, 1 1/2 कप आपने और मैदा इसमें डाला और इसको हिलाएं अच्छी तरह। और अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा हो रहा है, मतलब थिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, तो आपने थोड़ा सा दूध ऐड कर देना, बहुत ज़्यादा मतलब पतला भी ना हो और गाढ़ा भी ना हो। वो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि किस तरह का लगना चाहिए, किस तरह का ये मटेरियल तैयार होगा, रेडी होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आपने इसको हिला, जितना आप इसको फेंटते रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा केक बनेगा, सॉफ्ट केक बनेगा। तो आपने इसको हिलाते रहना है साथ साथ। अब हम इसमें डालेंगे खाने का मीठा सोडा, जो हम खाने में यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, अक्सर हम फूड में यूज़ करते हैं, तो मीठा सोडा भी हम इसमें डालेंगे। ये देखें इतनी क्वांटिटी हमने इसकी ले ली, इससे भी सॉफ्ट होता है। बेकिंग सोडे के साथ साथ हमने, बेकिंग पाउडर के साथ साथ हमने ये भी ऐड करना है। और ये है कोको पाउडर, कोको पाउडर जो है वो हमने दूध में ऐड किया। ये देखें ये इस तरह का कोको पाउडर होता है, किसी भी शॉप पर आपको ये मिल जाएगा, कोको पाउडर होता है, वो आपने दूध में ऐड करके फिर आपने केक के पेस्ट में ऐड करना है, वरना फिर ये डेले बन जाते हैं इसके। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सारा ये कोको पाउडर। और अब इसको हमने कोको पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह हमने फेंटना है, जितना आप फेंटेंगे उतना अच्छा रहेगा। और फिर इसमें अगर आपको गाढ़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है, तो आपने थोड़ा सा दूध ऐड कर देना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना है, बस थोड़ा सा। ये हमने यहाँ पे हार्ट शेप ले लिया है केक बनाने के लिए, आप कोई भी शेप ले सकते हैं, मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल होती है, सर्कल शेप होता है, स्क्वायर शेप होता है, हार्ट शेप होता है। लेकिन हमने ये हार्ट शेप भी लिया है, हमने राउंड भी लिया है, लेकिन राउंड छोटा है, 1 पाउंड का है, और ये 2 पाउंड है, मतलब 2 पाउंड का केक आप इसमें आराम से बना सकते हैं। और हमने इसमें लगा दिया सब तरफ घी, आप घी या मक्खन इसमें लगा दें, सब तरफ आप इस पैन के अंदर लगा दें, कोई जगह खाली नहीं छोड़नी है, पूरा हमने इसके अंदर घी से इसको समझ लें पैंट किया है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे आटा, अब आपने इसके ऊपर आटा छिड़कना है, और आटे से आपने इसको पूरा भर देना है, हर तरफ अच्छी तरह आपने आटा लगाना है। इससे ये होगा कि केक जो है वो चिपकेगा नहीं, वरना पेपर भी मिलते हैं, केक पेपर मिलते हैं, आप चाहें तो केक पेपर रख के उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये जल्दी का काम किया, ताकि केक पेपर लेने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा, तो मैंने घर की ही चीज़ों से आपको सोचा मैं आपको बता दूँ। और ये देखें हमने लगा दिया इस पर आटा, इस तरह सब जगह आटा लगाना है। और अब हम इसमें डालेंगे ये सारा जो पेस्ट बनाया था हमने, केक का रेडी किया था हमने पेस्ट, वो हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। और देखें ये किस तरह का थिक है, इसी तरह का थिक रखना है आपने, ना ज़्यादा बहुत पतला हो और ना बहुत ज़्यादा थिक हो, ना थिन हो, ओके। ये अब हमने सारा इसमें ऐड कर दिया, और जो पतीला हमने पहले से रखा हुआ था वो अब हो चुका है गर्म, तो उसमें हम इसको रख देंगे। और ये चूल्हे पर हमने रख दिया पतीला जो है वो गर्म होने के लिए हमने रख दिया, कोई भी अपने। अब हम इसमें रख रहे हैं केक, ताकि ये जल्दी से बेक हो जाए। ये देखें हमने ये इसमें रख दिया केक, देखें पतीला हो चुका था गर्म, हमने इसमें रख दिया केक ताकि जल्दी से अब मतलब गर्म हो जाएगा और ये ओवन का काम करेगा ये पतीला, ठीक है। अब हम इस पर रखेंगे इसका कैप, अब हम इसका ढक्कन लगा। और ये हमने इस तरह चूल्हे पर ये कपड़ा हमने अंदर रख दिया, ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले, बहुत अच्छी तरह हीट हो जाए, केक बैक हो जाए अंदर। और कोई भारी चीज़ आपने इसके ऊपर इस तरह रख देनी है, कोई बट्टा हो गया, कोई मैंने ये रोलिंग पिन का जो था। और ये अब 45 मिनट हो चुके हैं, हम इसको देखेंगे खोलकर, वो देखते हैं कि किस तरह का, वाह ज़बरदस्त, ये देखें कितना ज़बरदस्त स्टफी केक बना है, ज़बरदस्त है ये केक बिल्कुल, आप देखें कितना ज़बरदस्त बैक हुआ है और फूल गया, ये बैक होके सॉफ्ट केक है बिल्कुल। ये केक अगर आपका इस तरह फूल जाए तो समझे बस मेहनत रंग ले आई आपकी। और ये इस तरह का केक का शेप का मतलब गत्ते का आप ये किसी भी बेकरी से ले सकते हैं, या फिर आपके घर में केक आता है तो आप इसका जो ट्रे होती है गत्ते की, वो आपने फेंकनी नहीं है, वो आप संभाल के रखें। तो मैं इस तरह की चीज़ें संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मैं घर में खुद बैक करती हूँ केक, दैट्स वाई केक हो चुका है ठंडा। अब मैं इसको डालूँगी और ये देखते हैं ज़बरदस्त हार्ट शेप, ये देखें कितना ज़बरदस्त हार्ट शेप रेडी हो चुका है। अब मैं करूँगी इस पर गार्निश, इस पर चॉकलेट डालूँगी, और किस तरह हम इसको सजा सकते हैं बहुत ईजीली ये मैं आपको दिखाऊँगी। और केक को इस तरह कट करके आप अंदर भी गार्निश कर सकते हैं। ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट है, ये बाज़ार से आपको इजीली मिल जाएगी, किसी भी शॉप से चॉकलेट है। आपने इसको हल्का सा नीम गर्म करना है और इस तरह केक पे डालना है, और ऐसे आपने इसको फैला लेना है केक पर, और बहुत ज़बरदस्त। और इसको फ्रिज में रख देना है, और फ्रिज में रखने के बाद ये हो जाएगा ठंडा हो जाएगा, और ये चॉकलेट सारी जम जाएगी इसके ऊपर। उसके बाद आपने जिस तरह की चाय नाम लिखना है, गार्निश करनी है, वो आप कर सकते हैं। और ये इस तरह के जो होते हैं रिंकल्स, देखें ये इस तरह के केक पर डालने के लिए गार्निश के लिए होते हैं, आप ये किसी भी केक की शॉप से आप ले सकते हैं इसीलिए, और इसे करेंगे।
और ये चॉकलेट केक तैयार हो गया, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बेकरी के केक की खुशबू उठ रही है और क्विकली क्विक केक हमने कर लिया तैयार। और रेसिपी भी बहुत ईजी थी, केक बच्चा भी बना सकता है। रिवरा आप देख रहे थे मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, और ज़बरदस्त सा केक। आप चाहें तो और भी गार्निश कर सकते हैं, तमाम गार्निश के आइटम मिल सकते हैं। और जल्दी में बस मैंने यही रेडी किया है शाम की चाय पे खाने के लिए, तो मैंने बस क्विकली जो भी मेरे पास अवेलेबल था घर में सामान मैंने उससे बस तैयार कर लिया। वरना क्रीम का भी बनता है, मैंने क्रीम का भी बनाया है, और भी गार्निश के लिए मैं चीज़ें लेकर आती हूँ, तो इस वक्त वो अवेलेबल नहीं थी, शॉप भी आज के दिन बंद है, तो इस वजह से जो घर में अवेलेबल था उससे मैंने बस झटपट जल्दी से शाम की चाय के लिए कर लिया केक तैयार। ये केक मम्मा ने और मैंने मिलके बनाया है, और यू कैन सी इतनी इजी रेसिपी थी इस केक की के बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। इजी रेसिपी थी, और मुझे तो इस केक को देख के मुँह में पानी आ रहा है। हाँ, मुँह में पानी आ रहा है। अभी हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे शाम की चाय पर। तो कैसा रहा हमारा व्लॉग? अच्छा रहा।